क्या हुआ? मैं तुमसे बाद में बदला लूंगी। पानी सब खराब कर दिया। अरे यहाँ लाओ जल्दी। पापा किधर है? तुम भी ना, अब मुझे ही जाके पानी लेके आना पड़ेगा। तुम ये सारा पानी मुझ पर डाल सकती हो, लेकिन मैं फिर बाहर जाके पानी नहीं लाने वाला। तुम पे क्या डाल रही है? पापा पे डालो। पापा क्यों मम्मी को? मैं कैसे रेलगाड़ी की तरह गोल 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 घूमा। नया है क्या? पापा ने दिया। चुप। ऐसी चीज हम बार बार नहीं खरीद सकते। हमारे पास पैसा नहीं है। चरण सिंह का कर्जा चुकाना है हमें। चरण सिंह ने तुमसे कोई शिकायत की है? मैं खुद इस परिवार के लिए काफी सारे पैसे कमा सकता हूँ, और अगर चरण सिंह ने शिकायत की भी है तो करने दो उसे। मगर 2 साल तक मैंने उसका कर्जा चुकाया है और कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अभी जवान हूँ और तंदुरुस्त भी, और मैं अकेले इस परिवार के लिए काफी सारे पैसे कमा सकता हूँ। और अगर मेरे से काम किया नहीं गया तो मेरे ये 2 नन्हे मुन्ने बहादुर बच्चे हैं ना, क्यों अंजू? तुम बड़ी होकर माँ और बापू का ख्याल रखोगी ना? क्यों नहीं बापू, जरूर करेंगे। और आपके लिए ढेर सारे रेलगाड़ियाँ खरीद कर लाएंगे। रेलगाड़ी? पर अम्मा को तो रेलगाड़ियाँ पसंद ही नहीं है। अम्मा के लिए क्या लाओगे? अम्मा आपको क्या चाहिए, हम वो भी आपके लिए खरीद कर लाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी खाना पकाती हूँ। अच्छा बच्चों, आज हम अम्मा को घर के सारे कामों में मदद करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, अगर तुम मेरे साथ अम्मा की मदद करोगे तो मैं राम चाचा की साइकिल लेकर तुम दोनों को साइकिल चलाना सिखाऊंगा। हाँ। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, साइकिल तो यही है, राम चाचा कहाँ है? तुम लोग वहां जाके चुप जाओ, जाओ। राम? ओ राम। हाँ। मुझे थोड़ी देर के लिए साइकिल चाहिए थी। नहीं नहीं मनोज, मुझे बाहर जाना है। राम मैं जल्दी में हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, दे दो ना। याद है तुझे, तू पिछली बार साइकिल लेके गया था तो 2 दिन के बाद लाया था। राम मेरी पत्नी बीमार है, मुझे दवाइयाँ लानी है उसके लिए। क्या भाभी? भाभी बीमार है? हाँ। भाभी बीमार है। राम मैंने बच्चों से वादा किया है, बस थोड़ी देर उन्हें साइकिल चलाना सिखाना है। तो वो लोग नहीं बोल सकते? राम चाचा थोड़ी देर के लिए साइकिल दे दो ना। बस बस नाटक बंद करो, जाओ लेके जाओ। तो अब मेरे साथ कौन साइकिल चलाना सीखेगा? मैं। ठीक है चलो जल्दी। है मजा नहीं आ रहा है? है? पापा, के... अब मेरी बारी। हाँ बेटा छोटू के बाद। अरे मनोज मुझे दुकान जाना था यार, साइकिल चाहिए। बहुत धन्यवाद राम। पापा फिर मेरी बारी कब आएगी? अगले हफ्ते।
मैं वादा करता हूँ, ठीक है? बच्चे सो गए? हाँ। आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। रुको, अभी भी गुस्सा हूँ मुझसे। यहाँ जो भी काम करने वाले हैं सभी को सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करना है। ये रोज सुबह एक ही चीज सुनाते हैं क्या? हाँ यार, क्या करें। चलो चलो चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ आ रहा हूँ। अरे मनोज, बुधवार का डेडलाइन है, काम खत्म करना हो जाएगा। अरे मनोज जल्दी चलो, चलो जल्दी आओ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आओ ना यार। ठीक है चलो चलो। मनोज पैनल को आइसोलेट करो। अरे जरूरत नहीं है सर, दो मिनट का काम है। अरे मनोज ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा इंसुलेटर टूल कहाँ है? वो तो वहीं छूट गया, इससे काम चल जाएगा, फिक्र मत करो, करता हूँ मैं। अरे मनोज यहाँ देखो, इसे पहले इंसुलेट करो। कर दूंगा सर, कर दूंगा, सब्र करो। अरे अरे मनोज से मेरी नाम सुन रही हूँ। तीन महीने से मैं इधर यहाँ बेहोश था। अरे बेहोश नहीं, कभी कभी उठते थे, रात पर तुम सो नहीं पाते थे, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा गुस्सा पता नहीं किस चीज में
बच्चे तो डर जाते थे। गायत्री मुझे बच्चों से मिलना है। चलो बच्चों मनोज, अभी नहीं, अभी तुमसे नहीं होता है, तुम आराम करो। इसीलिए मैंने बच्चों को भाई के घर छोड़ा है। गायत्री मुझे बच्चों से मिलना है। वो आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मुझे बच्चों से मिलना है। तुम आराम करो। मुझे बच्चों से मिलना है। मनोज बच्चों से मिलना है। गायत्री आराम करो। गायत्री मुझे बच्चों से मिलना है। सो जाओ। गायत्री नहीं, रुको, मैं ऐसे नहीं जी सकता। मनोज कुछ नहीं होगा, संभालो संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री मैं ऐसे नहीं जी सकता, नहीं चाहिए मुझे। संभालो मनोज, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसे कर रहे हो? ठीक होगा, तुम अंधी हो, ये सब देखकर तुम्हें लगता है ठीक होगा। मेरी बात सुनो। कैसे ठीक होगा सब कुछ, बताओ कैसे ठीक होगा? पागल कहीं की, अंधी हो तुम या बेवकूफ हो? देखो बताओ कैसे होगा सब कुछ ठीक, मुझे देखकर लगता है तुम्हें कि सब कुछ ठीक होगा। इधर आओ, मुझसे बात करो। गायत्री इधर आओ, बताओ मुझे। गायत्री 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 मुझे यहां नहीं बैठना, मुझे बाहर चलना है। अंजू और छोटू को साइकिल चलाना सिखाना चाहता हूं। गायत्री मेरे पास आओ। गायत्री भगवान चरण सिंह, चरण सिंह ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो चरण सिंह। सब निकालो सब, ऐसा मत करो। नहीं छोड़ना कुछ नहीं चरण सिंह, मैं किसी भी तरह तुम्हारे पैसे वापस चुका दूंगा, ये मत करो मेरे साथ चरण सिंह। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो जल्दी। तुम तो मेरे दोस्त हो, क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे पैसे लिए मैंने, पर मैं लौटा दूंगा चरण सिंह। पापा पापा साइकिल सिखाओ। मैं तुम्हारे सारे पैसे किसी भी हालत में लौटा दूंगा। पापा साइकिल सिखाओ। मुझे पता है मनोज तुम मेरे दोस्त हो, साइकिल सिखाओ। लेकिन मैं इधर मेरा सिर्फ काम कर रहा हूँ। पापा साइकिल सिखाओ। अंजू चुप करो। चरण सिंह देखो इनसे कह दो सामान वापस रख दे, वरना वरना क्या करेगा, क्या करेगा तू? हाँ क्या है, क्या तुम्हारी हालत? आप लोग क्या कर रहे हो? मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे तुम, क्या ठीक करोगे? मैं बार बार बोल रही थी सावधानी से काम कर, सावधानी से काम कर। अगर सावधानी से काम किया होता तो ये सब होता क्या? गायत्री, गायत्री गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने परवाह नहीं की और अब देखो क्या हो गया। बच्चे ये कहां से आया? किसने दिया ये? मैंने ट्रेन बेच डाला। कि आप जब काम नहीं कर सकते तब हमें आपका ख्याल रखना है, इसलिए छोटू ने रेलगाड़ी बेच दी।